मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यतुला नेट जीआरएफ चैनल पर। साथियों, बीएचयू से पीएचडी एडमिशन की रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो आप पीएचडी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। इसमें पीएचडी के लिए भी सीटें हैं, एमफिल के लिए भी हैं, और एमफिल प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड उसके लिए भी सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। ये हिंदुस्तान का टॉप यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हैं। इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट में साथियों वैकेंसी है, और इसमें क्वालिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स से होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप नेट क्लियर किए हुए हैं, नेट जीआरएफ आपके पास है, तो आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है, आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं लगभग सभी सब्जेक्ट में यहाँ वैकेंसी है। आर्ट्स में आपका अरेबिक है, बुद्धिस्ट है, पाली है, जर्मन है, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक उसी तरीके से मेडिसिन में भी वैकेंसी है, मैनेजमेंट में भी वैकेंसी है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि छूटा हुआ है, लगभग सभी सब्जेक्टों में इसमें वैकेंसी है। तो आप इसका जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी है, तो 20 फरवरी तक फॉर्म को ज़रूर आप फिलअप कर लें, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसका एंट्रेंस से संबंधित तैयारी भी आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर आपका नेट क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ सिनॉप्सिस कैसे बनाएं इंटरव्यू के लिए। पीएचडी एडमिशन में सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहली चीज़ सिनॉप्सिस होता है, उसी के आधार पर आपका इंटरव्यू होगा, और मोस्ट प्रोबेबली उसी के आधार पर आपका अगला 4-5 साल रिसर्च भी होगा, ठीक है। तो सिनॉप्सिस कैसे बनाई जाती है उसके बारे में भी आपको इस चैनल पर गाइड किया जाएगा, जो भी अनुभव हमारे पास है उसके रिलेटेड वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, या यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं, तो इन सभी को पूरा करने में, आपका ये सपना पूरा करने में मैं ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करूंगा। इस चैनल से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देख सकते हैं सारे फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, सभी में वैकेंसी आई हुई है। और इस बार इंटरव्यू का नियम भी बीएचयू में बदल गया है, क्योंकि पिछले साल कुछ थोड़ा बहुत भाई भतीजावाद का आरोप लगा था, ठीक है। तो इस वजह से इस बार इंटरव्यू में क्या है कि मिनिमम 5 मार्क्स तो सबको मिलेंगे, और मैक्सिमम 14 मार्क्स से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलेगा। इसमें इसका नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, तो आप इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप या bhu.online.in पर आप जाकर खुद से भी देख सकते हैं, और पूरे बढ़िया से डिटेल पढ़ के आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए। एक बहुत अच्छा मौका है, जो कि रिसर्च करना चाहते हैं, भविष्य में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनको इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगा। तो साथियों, ऐसे ही अगर आप जॉब के बारे में या पीएचडी एडमिशन के बारे में, खासकर प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से संबंधित, अगर आप चाहते हैं कि बराबर नोटिफिकेशन मिले, तो आप कमेंट में वो भी लिखें कि किस चीज़ पर आपको वीडियो ज़्यादा चाहिए, या अगर वीडियो में कुछ कमी नज़र आती है तो ज़रूर कमेंट में लिखकर अपना सुझाव और सलाह दें, ठीक है साथियों। और इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करते हैं तो पेपर 1 से संबंधित कंटेंट और मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन के बारे में भी उसके ऊपर आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।